मैं समोसा पिन व्हील्स बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, समोसे का जो मिक्सचर होता है ना, फिलिंग, वो बनाएंगे। उसके लिए पैन और ये तेल, तो ये डाल लिया तेल। स्वागत कर रहे हैं, भूल गया आप सभी का स्वागत करते हैं जी हम। और तेल हो गया गरम, और हेलो जी ये जीरा डाल देते हैं, और इसके साथ साथ इसमें ये अदरक और ये हरी मिर्चें ये डाल लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा भूनने देते हैं, और एक चौथाई कप हरे मटर ले लेते हैं। इनको बिल्कुल देसी तरीके से, ये देखिए, थोड़ा सा मसल लेते हैं, ये थोड़े से मसल दिए, ये लीजिए। और यहाँ पे अदरक बढ़िया, हेलो जी। अब ये सारे हरे मटर ये मैं डाल लेता हूँ, ये हरे मटर, और ये लीजिए मटर क्रश कर दिए फटाफट। अब मैं ये आलू डाल लेता हूँ, ये तीन आलू ग्रेट करके डालना है आपने, बस मैश करना नहीं है। इसमें मैं फटाफट सारे मसाले डाल लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे मसाले हैं। तो इसमें लगभग डेढ़ बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, ये लीजिए, और आमचूर पाउडर ये भी एक छोटा चम्मच, ये डाल लिया, और पिटारा वो भी खोल लिया, और उसमें से निकली एनर्जी। और बताइए आपको क्या करना है। ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, क्या बात है, ये लीजिए। अब इसे मैं मिक्स कर लेता हूं। फाइनली आधा नींबू का रस, ये लीजिए, ये डाल लिया, गैस कर लिया बंद, और ये सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मिक्सचर तैयार, और इसे मैं बोल में निकाल लेता हूँ, ये लीजिए। समोसे की भट्टी जो है बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। मैदा ले लें, एक कप मैदा लें, एक बड़ा चम्मच घी का डालें, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और आधा छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, और आधा छोटा चम्मच नमक डाल के भाई सख्त सा ये जो डो है बिल्कुल इसे गूंद लें। और गूंदने के बाद ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे पहले से गूंद के रखा है। और आपने क्या करना है, गूंदने के बाद हम बनाएंगे पिन व्हील सैंडविच। समोसा अलग हट के बन रहा है। ये अब बढ़िया इसे बेल लेते हैं, और बिल्कुल पतली बेल ले, जितना पतला बेलेंगे उतना मजा आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब समोसा और आलू का मिलन होगा, इन दोनों का मिलन बहुत जरूरी है। चटनी लगा ली। अब ये जो आलू हमने भूना था, ये सारा का सारा ले लेते हैं। और मजे वाली बात देखिए क्या है, यहाँ पे समोसे एक बार में सैकड़ों बन जाएंगे। ये आलू स्प्रेड कर लिए पूरे अच्छी तरीके से, और अब ये हो गया बढ़िया तैयार। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, वो अगर आपके पास ऐसे वाली क्लिंग फिल्म है, बस इस तरह से ये फिल्म ले लें, ये लीजिए, और ये पट्टी रख ली, हेलो जी, ये कर लिया रोल। और उसके बाद इससे क्या होगा, ये बिल्कुल बढ़िया इस तरह से टाइट हो जाएगी। अब इसे थोड़ी देर तक मैं रख लेता हूँ ऐसे, तब तक हेलो जी ओवन की शुरुआत कर लेते हैं।
क्लिंग फिल्म में ये रोल तैयार कर लिया, ओवन मैंने शुरू कर दिया, प्री हीट करने रख दिया, नेक्स्ट स्टेप एक और काम करेंगे, ये निकाल ली मैंने अपनी ये बेकिंग ट्रे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और मेरे पास तो ये ब्रश है तो मैं ब्रश से बिल्कुल बढ़िया तरीके से तेल पूरा ट्रे पे स्प्रेड कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये ऐसे वाला समोसा, आहा ये ऐसे रख दूंगा मैं इसे नंबर वन, ठीक है, ये इस तरह से बिल्कुल आसानी से कट जाता है और ये बिल्कुल निकाल लेना है आपने। ये लीजिए इसको भी, ये लास्ट वाले को भी बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं। आहा क्या बात है, करेंगे हम बेक इसको और बेक करेंगे लगभग 16-18 मिनट तक और बीच में कोशिश करेंगे कि एक बार फ्लिप कर दें, लेकिन पहले बेक करेंगे। ये लीजिए ऐसे ये समोसा, एक बार खाएंगे बार बार खाएंगे मज़ा आएगा, बेक हो जाएगा, निकाल के चटनी के साथ टमाटो केचप जिसके साथ मर्जी खाइए मज़ा उतना ही आएगा, बस बीच में फ्लिप कर लीजिएगा, मतलब कि समोसा पिनव्हील बनाने के लिए एक बोल में मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, घी, आधा छोटा चम्मच जीरा, काली मिर्च पाउडर और अजवाइन डालकर मिलाएं। आवश्यकता अनुसार पानी डालकर नरम लोई गूंद लें, ढककर 15 मिनट तक रहने दें। एक नॉनस्टिक पैन में तेल गर्म करें, उसमें बचा जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भूनें। हरे मटर को बेलन से हल्के से मसल कर डालें और मिलाएं और 1 मिनट तक भूनें। आलू डालकर मिलाएं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट तक पकाएं। नींबू का रस डालकर आंच बुझा दें और अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को एक बोल में डालकर समान तापमान तक ठंडा होने दें। लोई को बेलकर एक पतली और बड़ी शीट बना लें, उस पर पका मिश्रण डालकर समान फैला लें। लंबाई में रोल करके सिलेंडर बनाएं, क्लिंग फिल्म में लपेटें और 10 से 15 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रखें। रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकालें, मोटी स्लाइस काटें और क्लिंग फिल्म निकाल लें। बेकिंग ट्रे पर थोड़ा तेल लगाएं, इन स्लाइसों को बेकिंग ट्रे पर रखें। ट्रे को गर्म ओवन में रखकर 16 से 18 मिनट तक बीच में एक बार पलटते हुए बेक करें और गर्मा गर्म परोसें।